नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं राहुल तिवारी, जो शिवानंद तिवारी के बेटे हैं और राजद के विधायक हैं। इनसे पूछते हैं कि सर, जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव लगातार पहले प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग किए हैं, अब विधायकों के साथ वो मीटिंग किए, क्या लगता है कि कहीं वो NDA की सरकार से कहीं डर के मारे तो ये नहीं कर रहे हैं? नहीं, डर के मारे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का 25वां जो है स्थापना दिवस है, उसकी तैयारी को देखते हुए सारे विधायकों का मीटिंग किया गया था। मीटिंग करने के बाद ये तय हुआ कि स्थापना जो हम कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम पहले हम लोग कार्यालय में करते थे, पूरे बिहार भर से लोग कार्यकर्ता लोग आते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए उस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ पटना में। लेकिन ये निर्देशित हुआ है पार्टी की तरफ से कि जो भी अपने विधानसभा में लोग हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में बताना है। तो यहाँ डर की कोई बात नहीं है कि NDA के डर के चलते, और इस कारण से क्योंकि कई बार ये चल रही है कि जो तोड़ मरोड़ की राजनीति अभी हो रही है, उलट फेर दल बदल की जो राजनीति चल रही है, यही कहा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि हम जल्द ही 3 महीने के बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन राजद में न तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, न जीतनराम मांझी हैं, न मुकेश सहनी हैं, तो फिर आखिरकार आगे की गणित क्या है? देखिए, राजनीति में कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के राजद के तरफ आए थे, तो ये भी एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ था राजनीति में, और यहाँ से फिर वापस फिर वहाँ जाना। तो राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। बहुत कम बहुमत है इनकी, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है एकदम लगभग उसके बराबर है। तो हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में मांझी हों, सहनी हों, और इस तरह के लोग जो विश्वास करते हैं धर्मनिरपेक्ष पे और हमारी आइडियोलॉजी पे विश्वास करते हैं, तो राजनीति में चलता है कब, कल के डेट में कल कौन कहाँ जाएगा। मांझी जी पार्टी में रह के भी नीतीश जी का या भारतीय जनता पार्टी का बुराई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए पार्टी हमेशा लगी रहती है कि किसी तरह हम जो है जनता के बीच में जाए, उनकी ताकत का इस्तेमाल करें, या किसी तरह हम सत्ता में आए ताकि गरीब लोग का या अपने अपना जो कार्यक्रम पार्टी का है उस तहत लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, तो लोग लगे रहते हैं। राहुल जी, आप एक तरफ स्थापना दिवस के दिन रामविलास पासवान की भी जयंती मना रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई को एक साथ लाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन चिराग पासवान अभी भी मोदी के लिए उनका जो है वो प्रेम जाग रहा है। आप कल के अखबार में भी, आज के अखबार में भी ये चीज़ दिया है गया है कि मोदी के बहुत करीबी हैं वो, उनसे जा कर के मुलाकात चिराग पासवान कर रहे हैं, तो ये क्या कैसी राजनीति हो रही है? अब देखिए, राजनीति सब लोग, रामविलास पासवान जी जब दुर्दिन था तो लालू जी जो है उनको सहायता किए राज्यसभा भेजे, और तेजस्वी जी कहे कि अगर उनको लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी लगता है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर, अगर उनको लगता है कि सिद्धांत को मानते हैं तो हम लोग के साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार जिस तरह उनके पार्टी को तोड़ के रख दिया, कहीं के नहीं रहे, तो एक बदला नीतीश कुमार जी के अंदर एक था कि हमारा जो सीट जो कम आया है विधानसभा के चुनाव में, उसमें अहम रोल चिराग पासवान का था, तो वो अंदर से चाह रहे थे कि इस पार्टी को कमज़ोर करना, तो उसमें कामयाब हुए, पार्टी को तोड़ दिए। अब चिराग जी को ये समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकती है आज के दिनों में, क्योंकि सरकार में बने रहना उनका है कि बिहार में जो ठीक ठाक चल रही है उसको तोड़ना हमको नहीं लगता है मुनासिब है। चिराग जी को समझना चाहिए, अगर सही मायने में लड़ना है तो जनता के बीच में जाना चाहिए और गठबंधन एक बनाना चाहिए, जो आने वाले समय में नीतीश कुमार जी जो आज के दिन में सत्ता में काबिज है उनको हटाया जा सके। अब तय चिराग जी को करना है, तेजस्वी जी कह चुके हैं उनको लगता है अगर हम लोग के साथ आए तो स्वागत है उनका। आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, तो युवा के नाते आप चिराग पासवान को क्या नसीहत देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी भी वो कहीं देर तो नहीं कर रहे हैं? चिराग जी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो तो बोले हैं कि हम निकलेंगे यात्रा में अपने पिताजी के जन्मदिन पे, तो हम तो चाहेंगे कि सारे युवाओं एक होना चाहिए और आने वाले समय में युवा के हाथ में बागडोर मिलना चाहिए, ताकि इन लोग जो है बिहार को और आगे ले जा सके। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि
अगर वो आते हैं उनके ऊपर है तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जो है उनका स्वागत करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग यानी एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि स्थापना दिवस तो एक बहाना है, लेकिन कई राजद के अंदर विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी को दूर करने के लिए, विधायकों को मनाने के लिए कि कहीं दूसरे पार्टी में वो ना जाएं, इस तरीके की राजनीति वो क्या कुछ हो रही है? जो विधायक दल से ऐसा थोड़ी है कि जो विधायक नाराज हैं विधायक दल के मीटिंग में आएंगे तो नाराजगी उनकी ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की नहीं है। लेकिन नाराजगी कहीं कहीं नहीं दिख रही है। अभी तक देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल इतने सालों में कभी नहीं टूटी है, सब पार्टियां टूट गई हैं लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की एकता जो है हमेशा बरकरार रही है। उस पार्टी को तोड़ने में कोई सक्सेस नहीं हुआ। पिछले बार भी जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे जो पार्टी का विरोध किए थे जदयू में चले गए और भाजपा में चले गए, कहीं भी चले गए, आप देखिए उनकी क्या हालत हुई। एक भी विधायक उनके जो यहाँ से पार्टी छोड़ के गए हैं नहीं जीते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल एकता है और हमको लगता है कि आने वाले समय और मजबूत होगी, यहाँ टूट की कोई संभावना हमको नहीं दिखती है। ये और मेरा मन में सवाल है, महंगाई को लेकर क्या कहना है? पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, अब किसानों को इस वक्त डीजल की ज़रूरत है, ऐसे में किस तरह का महंगाई जो है वो लोगों को कमर तोड़ रखी है, वो सभी लोग इससे रूबरू हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी जब देश में काबिज हुए थे तो उन्होंने यही मुद्दा बनाया था, महंगाई का मुद्दा बनाया था, किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे ये मुद्दा था, काला धन लाएंगे ये मुद्दा था। तो ये तो लोगों को सोचना चाहिए, भारत के लोगों को, कि जितने भी मुद्दा भारत जो देश के जो प्रधानमंत्री ने बताया था कि इससे हमको निजात दिलाएंगे आपको, तो और निजात क्या दिलाएंगे, और बढ़ती चली जा रही है। आप तेल का भाव देखिए, किसान का जो गेहूं अभी खरीदगी सरकार की तरफ से है, समझिए कि उसमें नुकसान होते हुए भी गेहूँ लोग मजबूर होने के लिए, अपना पैदावार होने के लिए मजबूर हुए। तो चारों तरफ किसी मामले में सरकार जनता को राहत 6 साल में 7 साल में इन लोग से नहीं मिली है, जो उम्मीद नहीं है। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि जो जिस तरह वोट लिए थे, जिसके नाम पे, महंगाई के नाम पे, किसान के नाम पे, अन्य और मुद्दे, एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में चुनाव में कम से कम लोगों को जागना चाहिए और जात और धर्म से ऊपर उठ के इस सरकार को हटाना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी मामले में सुख नहीं मिला। जब से ये सरकार आई है तब से लोग परेशान, किसी न किसी मामले में परेशानी झेल रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है, लोगों को सोचना चाहिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक राहुल तिवारी, उन्होंने साफ तौर से सरकार के ऊपर हमला बोले हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से महंगाई लोगों को कमर तोड़ रखी है, यही मुद्दा केंद्र सरकार ने लेकर के चुनाव के समय में आए थे, अब जो कुछ भी है वो सब कुछ जनता के सामने में है। देखने वाली बात रहेगी कि अब आगे की क्या कुछ बिहार की रणनीति जो है वो किस प्रकार जो आगे सामने आती है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो है वो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। क्या सामने खुलकर आता है वो वक्त ही तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।